मिला ने दुर्गंध फैलाई। अधिकांश लोग उसके पास नहीं जाना चाहते थे, जिससे वह पहाड़ों में रह गई। लेकिन हमेशा कुछ लोग होते हैं जिन्हें इस गंध से विशेष प्रेम होता है। यह आदमी उन्हीं में से एक था। वह गांव में एक साथी की तलाश में आया था। कल रात जब वह और लैला मिले तो वह उसके बारे में सोचता रहा। अब वह बैरन के घर खाना खाने आया। उसने बैरन से कहा कि उसने पिछली रात पहाड़ों में एक चुड़ैल को देखा था। बैरन ने सिर्फ कहा कि पहाड़ी इलाका बहुत बड़ा है, वो खुद नहीं जानता था कि अंदर क्या था। ऑस्टर ने सोचा और अपने हाथ में शराब का गिलास हिलाया। आवाजें बहुत जोरदार थीं। मैं लगभग अंदर रास्ता भूल गया। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी के छोटे से घर में कोई रह रहा हो। लग रहा है कि पहले से ही हमेशा चुप रहने वाली एलन शांत और चुपचाप है, और फिर एक परेशान चेहरा बना लिया। असल में उस झोपड़ी में रहने वाली एक शापित चुड़ैल थी। वह बहुत खतरनाक थी और लोगों को शापित करके नुकसान पहुंचा सकती थी, और वह घुटन भरी बदबू छोड़ती थी जिससे पहाड़ की दूसरी ओर खड़े रहकर भी उल्टी आ जाती थी। ऑनेस्टर ने सुनकर झटके में देखा, हालांकि आप शाही रक्त से हैं और भगवान की कृपा से संरक्षित हैं, लेकिन आपको उसकी बदबू का कोई इलाज नहीं है, तो कृपया उस झोपड़ी के पास न जाइए। ऑनेस्टर को जो गंध आई वह वास्तव में कोई बदबू नहीं थी, बल्कि वह एक मोहक सुगंध थी। वह पिछली रात खो नहीं गया था, बल्कि वह गंध का पीछा करते हुए आया था। उन सुगंधों ने उसकी सोई हुई महत्वाकांक्षा को जागृत किया, जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने कल रात देखी हुई और अभी सुनी हुई बातों को मिलाया। उस समय लैला के हाथ में एक कैंडल होल्डर था। मोमबत्तियाँ तो वैसे भी बहुत कीमती होती हैं। वह पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में एक मोमबत्ती स्टैंड था, जो स्पष्ट रूप से असामान्य था, और इस क्षेत्र में केवल बैरन का परिवार ही मोमबत्तियाँ खरीद सकता था। इसे लगता है कि लैला का बैरन परिवार से खास संबंध है। सोचते हुए ऑस्टर ने सोचा, अगर सामने लेखक की शैला होती तो कितना अच्छा होता। इसके बाद एरिन ऑस्कर को अपने कमरे में ले गई। वो ऑस्कर के चेहरे पर भाव देखती रही। ऑस्कर सोच रहा था कि निम्न श्रेणी के कुलीन इतने साधारण तरीके अपनाते हैं, और उसका नौकर एक लालची आदमी था, शायद उसे पहले ही खरीद लिया गया था। हालांकि इस बार उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगर किसी ने सीधे एक अर्ध नग्न महिला को अपने कमरे में धकेल दिया तो शायद मैं उसे काट ही दूंगा। सोचते हुए एलिन पास आ गई। मुझे गलती से पैर मोड़ लिया। बात करते समय वह ऑस्कर के करीब आ गया, लेकिन ऑस्कर ने परवाह नहीं की। हालांकि इस तरह की चीजें इस ग्रामीण इलाके में उच्च मानी जाती हैं, लेकिन वे राजधानी में बहुत आम हैं। फिर भी इसका रूप लैला से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये इसे मनमानी करने का लाइसेंस नहीं देता। इस समय एरिन को लगा कि उसकी चालाकी सफल हो गई है। मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। अगले ही पल उसे निर्दयता से धक्का दे दिया गया। मैडम, आप जहाँ से आई हैं वहीं वापस चली जाएं। लेकिन जब उसने ऑस्टर के चेहरे पर उस घातक अभिव्यक्ति को देखा तो उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, और ऑस्टर ने भी कुछ नहीं कहा। बिना ज्यादा ध्यान दिए अपने कमरे में वापस चली गई। वास्तव में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वास्तव में वो यहाँ की हर चीज से नफरत करता था। वह केवल यहाँ इसलिए रुका था क्योंकि वह प्रसिद्ध व्यक्ति की सुगंध थी। जब वह कमरे में वापस आया तो उसने आग के गड्ढे के पास बैठने वाले सेवक को मरम्मत करते देखा। उसे नहीं लगा था कि उसे मात्र 500 सिक्कों में खरीदा जा सकेगा। सिर्फ शूरी को डायन का डेटा जांचने के लिए कहा और नाम याद रखने को कहा। महिला ने टेबल पर पड़े सिक्कों को देख रहा था। उसने कहा था कि वह उससे पैसे नहीं लेगा, लेकिन उसने फिर भी छोड़ दिया। इसलिए उसने अपनी स्कर्ट उतार दी और बाहर भाग गई। वो तेजी से बाहर चला गया और वह एक छोटी सी धारा के किनारे आया। वास्तव में इस मौसम में धारा का पानी हड्डियों तक ठंडा होता है, लेकिन उसे लगा कि अगर वह अच्छी तरह नहा ले तो शायद उसकी बदबू इतनी बुरी नहीं होगी, क्योंकि अब उसके पास पैसे थे। लेकिन उसे कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ा। आखिरकार उसे बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इतनी बुरी बदबू नहीं थी। इसलिए जब वह बाजार गया तो उसे तुरंत पता नहीं चला।